साजन अग्रवाल का जो किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ, बेसिकली वो उसका दूसरा नाम परेशानी होना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो किसी ना किसी परेशानी में ही घिरा रहता है। अभी भी ये है कि उसको कुछ पैसे दिए थे संजना ने अपने पास सेफ्टी से रखने के लिए, और वो उससे चोरी हो गए। तो अब वो गिड़गिड़ा रहा है, लोगों के आगे हाथ फैला रहा है कि कोई उसे मदद कर दे, 10 लाख रुपए जो उसके गए हैं। तो ये चल रहा है, अब देखो कैसे निकालता है, पैसे कहाँ से लाता है, क्या करता है, ये तो आने वाली कहानी बेसिकली बताएगी। संजना जी को भी पता नहीं है कि ये पैसे चले गए हैं। हाँ, अभी तक उसको पता नहीं है। कल जब और अगले दिन ऑफिस जाएगा साजन, तो वहाँ पे संजना और साजन की आमना सामना होगा, तो फिर उसे छुपाने के लिए कुछ नया झूठ बोलना पड़ेगा। इसको आप इस मोमेंट को किस तरह हैंडल कर ये लेंगे? तो हमारे राइटर्स हैंडल करते हैं। एज साजन अग्रवाल तो उसके चेहरे पे और उसके जो परेशानी जो है, वो चीज़ें मेरा काम है करना, वो करता हूँ। अब किस दिशा में कहानी जाएगी, क्या आगे मूव होगा, ये तो हमारे राइटर्स नहीं, डायरेक्टर। जैसे ये बात कोई कोई जितना भी आता है वो साजन अग्रवाल हर एक चीज़, हर एक परेशानी को किसी ना किसी तरह हैंडल कर ही लेते हैं। हाँ, तो वो शो का मतलब ही वो है ना, जिस दिन नहीं कर पाएगा मेरे को लगता है शो बंद हो जाएगा। और सर, जैसे कि बात करें, अभी इंडिया और पाकिस्तान का थोड़ा बहुत चल रहा है, तो और जैसे कि अभी सलमान खान का कुछ आया था, तो उन्होंने आर्टिस्ट जो हैं पाकिस्तान के वो इंडिया में काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनके बारे में क्या आपका राय है? इंटुगेशन चल रहा है अभी तो। हाँ, और मेरा एज अ पर्सन, अगर आप संदीप आनंद मुझसे बात करेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले सबके लिए बढ़कर देश होना चाहिए। हम अगर उसके प्रति हम अगर वफादार ईमानदार नहीं हैं, तो बाकी हम चाहे जितनी बातें करें, चाहे जितना अपने आप को आर्ट आर्टिस्ट और सारी चीज़ें करें, वो सब बेकार है। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक इंडियंस हैं, भारतवासी हैं, तो सबसे पहले देश है, उसके बाद सारी चीज़ें। तो देश हित में जो भी हो वही होना चाहिए। ओके सर। और सर बात करें, जैसे कि अभी नवरात्रि आने वाला है, नवरात्रि चल रहा चल है, रहा है तो